वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू छोटे बड़े सारा प्यार बड़को पैरी कोरा जी गाइज, आज मेरी ना गुड आफ्टरनून रूम में नहीं हुई, किचन में हुई है क्योंकि आरब उठ गया और अब उठते ही भाई साहब को चाहिए नाश्ता। मेरे को बड़ा वो हॉल पड़ रहा है यार, इसके स्कूल खुलने वाले हैं और सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा। मतलब लिटरली शेड्यूल ऐसा बिगड़ जाता है छुट्टियों में, मेरा ही नहीं, सिर्फ मेरा ही नहीं सबका बिगड़ता है, तो शेड्यूल ऐसा बिगड़ जाता है छुट्टियों में कि बस मन नहीं करता सुबह उठने का। अभी मैं मैक्सिमम 9 o'clock तक उठती हूँ क्योंकि सबने 11 बजे तक निकलना होता है, तो 9 बजे उठकर काम हो जाता है। अब 6 बजे मुझे उठना पड़ेगा तो बड़ा मुश्किल है यार, 3 घंटे की नींद खराब हो जाएगी और फिर सारा दिन सोने को मिलता नहीं है। बट अब स्कूल तो भेजना है, स्कूल तो घर आ नहीं सकता, क्या करें। और गाइज अब मैं बनाने लगी हूँ इसके लिए नाश्ता, अंडे वाली रोटी जो ये खाता है टाको रोल। गुड मॉर्निंग आवाज़ तो आ गई। और हम सब ने, मतलब मैंने, हस्बैंड ने, बेटी ने दाल वाले पराठे खाए, मैंने तो व्हाइट मक्खन के साथ खाया था। तो चलिए अभी बनाते हैं इसके लिए टाको रोल और फिर ब्लॉग करते हैं अपना आज का स्टार्ट। एंड आई एम वेरी हैप्पी, आपने कल देखा इंडिया जीत गई, मैंने तो भगड़ा ही डालना शुरू कर दिया कल, इतना मज़ा आया। और T20 को मैं बार बार IPL बोल रही थी, मैंने ब्लॉग में भी IPL ही बोल दिया था, बट वो था T20, मैं बाद में जागी। गुड मॉर्निंग गाइज, नाश्ता बनाने के बाद अब बारी है अंदर के रूम की और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सब बुसरा सब बिखरा पड़ा है, तो मैं अब इस पर ना चादर बिछाने लगी हूँ क्योंकि मैंने कुछ एक हफ्ते से इस पर चादर बिछाई नहीं है, ब्रूनो इकट्ठी कर देता है बट अब ये बहुत मैसी लग रहा है, तो चादर बिछाकर पूरे पिलोज विलोज सेट करके बिछाती हूँ और कमरा थोड़ा सा ठीक करते हैं। मैंने ना यहाँ पर अपना ट्रिमर जो अपर लिप्स के बाल साफ करता है वो ट्रिमर यहाँ चार्जिंग पे लगाया, बट ये चार्ज ही नहीं हो रहा, आई डोंट नो क्यों क्या हो गया, अगर ये ख़राब हो गया तो मुझे नया मंगवाना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, अमेज़ॉन जिंदाबाद, देखते हैं चार्ज होता है कि नहीं, अभी तक तो हुआ नहीं। ये देखो हमारा RV नहीं हुआ ना, ये चलो चार्जिंग पे रहने दो, उसको चेक करते हैं फिर। आइज ये देखिए चादर बिछा के पिलो सेट कर दिए हैं तो अब कमरा थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लग रहा है, तो अब करते हैं नहाने की तैयारी। गाइज मैं नहा धोकर आ गई और ये देखिए पूंछ निकल रही है बालों की, इसको ज़रा अंदर कर लें, हाँ अब ठीक है। तो अभी खाना गर्म करने का टाइम है, आरफ के लिए दाल चावल गर्म हो रहे हैं और मैं समझ ही नहीं आ रहा अब क्या खाऊं, मेरे अपने लिए कुछ अलग से बनाने का मन नहीं कर रहा, तो मैं दाल वाली रोटी बना लेती हूँ, दाल का आटा गूंदा पड़ा काम आसान हो जाएगा। और ब्रूनो यहीं आके लेट गया तो उसको लेटे रहने देते हैं क्योंकि अभी उसका टाइम है सोने का अंदर, तो चलिए दाल चावल गर्म करते हैं। ये देखिए यहाँ दाल गर्म हो रही है और काम वाली आंटी अभी तक आई नहीं, बर्तनों का ये देखो ढेर लगा पड़ा है, बट मेरे लिए स्पेस है कि मैं अपने लिए रोटी बना लूं। आंटी आई हैं एक्चुअली, बट वो आवाज़ देख रही थी कि 3 बजे तक आएंगे और अब 3:15 हो रहे हैं तो आने वाली होंगी, बस ये दाल वाल गर्म करके मैं आपको खाना दे दूं। मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ नहा धोकर और मैंने आज अपने पुराने वाले ईयर रिंग्स ही पहने क्योंकि ब्लैक के साथ ना वो सिल्वर बहुत हाईलाइट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे थे। और आज ट्यूशन मैंने 10-15 मिनट लेट रखी थी अपनी 5:15 तक क्योंकि बाथरूम में पानी ब्लॉक हो गया था और अब मैंने ना प्लम्बर का काम भी शुरू कर दिया है, तो अगर आपके घर में प्लम्बर की ज़रूरत हो और कोई ठीक करने वाला ना आए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी क्योंकि ये काम मैं सीख चुकी हूँ। मैं एक तार लेकर आऊँगी आपके घर में, आपके घर की जो प्लम्बर में ब्लॉकेज हो रही है पाइप लाइन्स के अंदर, मुझे वो खोलनी आ गई है, तो मैं अपनी पाइप लाइन साथ लेकर आऊँगी, पाइप लेकर आऊँगी और आपके घर के जो ब्लॉकेजेस है वो भी ठीक कर दूँगी। अब ये काम भी मैंने सीख लिया है, तो मुझे आधा पूरा घंटा लग गया बाथरूम का, सारा वो जो ब्लॉकेज था, नाली रुक गई थी, पानी नहीं जा रहा था, वो मैंने खुद ही ठीक कर लिया। टाइम बहुत लग गया लेकिन मैं थोड़ा लेट भी हो गई, बट मैंने कर लिया, तो अब प्लम्बर का 500 रुपये का खर्चा बच गया और अगर आप मुझे बुलाते तो मैं 250-250 रुपये में कर जाऊँगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जोक सपाट, सीरियसली मत बोल देना, मैं नहीं आने वाली। तो चलिए अब मैं अपने लिए चाय बना लूँ, पाठ पूजा मैंने कर ली, बच्चे आने वाले हैं तो फटाफट चाय बनाकर बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ। गाइज बच्चा पार्टी पढ़कर गई और मैंने ना पढ़ाते पढ़ाते अपने बाल बांध दिए थे क्योंकि उमस इतनी है, स्वेटिंग रुकने का नाम नहीं देती, हार्डली आधा घंटा हुआ है AC बंद किया और फिर चला लिया। और गली में ना छल्ली वाला आया था लेकिन वो थी मसाले वाली, मैंने अपने लिए ना प्लेन ले ली है, देखो स्वीट कॉर्न लिया है तो बड़ा हेल्दी होता है खाना इसको, तो मैंने इस पर कुछ नहीं डलवाया, सिर्फ अब मैं स्वीट कॉर्न अगर सबसे ज़्यादा खा ले तो क्या होता है, क्या होता है शर्म इसमें, क्या एक स्वीट कॉर्न में कार्ब्स, तो स्वीट कॉर्न 100 ग्राम कार्ब्स यार ये बहुत पकाता है, तो मैं इसमें हल्का सा चाट मसाला लगा के खा लेती हूँ फिर लगती हूँ रसोई में। गाइस भुट्टा खाने के बाद अभी टाइम है, भुट्टा खाने में वैसे बहुत देर हो गई, मैं गप्पे मारने बैठ गई थी आरफ के साथ, फिर मेरे ब्रदर का फ़ोन आ गया, उससे बातें करने लग गई, तो अभी मैं चिकन बना रही हूँ, 9:15 बज गए हैं और मैं ना प्याज टमाटर आज चॉप करने के बजाय मिक्सी में एक साथ ही ग्राइंड कर रही हूँ ताकि काम फटाफट हो जाए, यू नो हाउ स्मार्ट आया है आई नो, तो फटाफट मिक्सी में प्याज टमाटर पीस के एक साथ ही मसाला रेडी करते हैं और चिकन अपने लिए अलग निकाल के थोड़ा सा बाकी सबके लिए अलग से बनाते हैं मसालेदार।
चिकन बन गया, और चिकन बनती सबसे पहले कपड़े चेंज हुए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं टी शर्ट की जगह वापस से गाउन में आ गई हूँ, क्योंकि बस अभी होता है कि फटाफट फ्री होके कूल डाउन होके बैठो। और देखो मैं कूल डाउन की बात कर रही हूँ, लेकिन चाय वाले लोग कभी नहीं सुधर सकते। आप देख रहे हो इस टाइम रात को 11:30 बजे भी मेरी चाय चल रही है, और मैं चाय के साथ पता क्या खाने लगी हूँ, बहुत टाइम हो गया, ये मेरे नवरत्न का कलेवा वालों का नवरत्न वाला मिक्सचर निकाला है, ये देखो, और मैं ये निकाल के खाने लगी हूँ। एक तरफ मैंने अपने लिए चिकन निकाल के रख दिया बिना मसाले वाला, सी वेट, ये देखिए ये चिकन मैंने बिना मसाले वाला निकाल दिया, इसमें है नहीं, चावल तो इसमें है, और वेट ये देखिए ये मसाले वाला बन के यहाँ पे पड़ा है, सबने खा लिया, थोड़ा सा बच भी गया तो काम आ जाएगा, तो मैं अभी इसमें दूध डाल दूँ वरना मेरी चाय कड़कड़ के आधी हो जाएगी। और ये ना नमकीन के अंदर ये जो मूंगफली होती है ना, आई लव दिस, मैं पहले ना छांट छांट के ये खाती हूँ, कहीं पर भी जाऊँ, बाहर भी कहीं होंगी ना, किसी के घर भी जाऊँगी, और कोई चाय के साथ ही नमकीन रखता है ना, तब भी मैं पहले ऐसे छांट छांट के मूंगफली खा लेती हूँ, ये देखो बड़ा मजा आता है खाने में, आई लव इट गाइज। ये देखिए मैंने चाय में दूध डाल दिया है, तो बस अब चाय कट जाए फटाफट, तो मैं चाय पीती हूँ। और आप ये देखिए इतना सा ना पोना बाहर लटक रहा है, आप ये देख रहे हैं ड्रॉर में, आरव चिल्लाता हुआ है मम्मी मम्मी कॉकरेज, देखा तो ये पोना है जो इस ड्रॉर के अंदर है, जो ये लटक रहा है, अरे कुछ तो आरव समथिंग समथिंग, अरे दे रही हूँ फोन लेने आ गया, तो मैंने दूध डाल दिया चाय में, एक मिनट एक कमरे में रख, मैं आ रही हूँ, तो मैं व्लॉग को करती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल अपने नए व्लॉग में, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल पे सेट कर दीजिए, और बने रहिए हमारे साथ, और खाइए पीजिए मौज मस्ती कीजिए, कौन क्या कर रहा है बिल्कुल मत सोचिए, अपना काम करते जाइए, अपने घर को संभालिए, खुश रहिए, किसी के आगे बढ़ने से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी के पीछे बढ़ने पर हमें खुश नहीं होना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, हमें सिर्फ अपने से मतलब है, मेरा तो यही फंडा है, अपने से मतलब रखो, खुश रहो, खाओ पियो, इधर उधर नहीं, मस्त रहो, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।